सलाम नमस्ते, क्या हाल है, कैसे हो दोस्तों। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ब्रेड सैंडविच रेसिपी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप अपने घर पर अवेलेबल सारी चीज़ों से ही यह सब बना सकते हैं, और अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कोई इंग्रेडिएंट नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो और अपने मन चाहे ब्रेड सैंडविच बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ब्रेड सैंडविच बनाना। ये मैंने सारे मसाले ले लिए हैं और मैं पहले इस दही में अपने सारे मसालों को ऐड करूँगी। और मसालों में मैंने लिया है काली मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, और रेड चिल्ली पाउडर लिटिल बिट, नमक और थोड़ी सी शक्कर और चाट मसाला। ये सारे मसाले हम इस दही में ऐड कर देंगे, यानी यू हैव टू मिक्स इट वेल इन कर्ड, सो इट विल मेक डिलीशियस टेस्ट। नाउ वी हैव टू ऐड वेजीज। अभी आपको आपके सारे वेजिटेबल्स इस चटनी में ऐड करना होगा, जो मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है। मैंने कैरेट को कद्दूकस किया है, और कॉर्न्स है यहाँ, अनियन और शिमला मिर्च, ये सारे आइटम्स मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था। तो मैंने अभी इसे सारे चीज़ों को इस चटनी में मिक्स करूँगी। दोस्तों, ये चटनी कोई ख़ास चटनी नहीं, बल्कि कॉमनली आप अपने घर पर दही से बना सकते हो। मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ दही और मसाले। इनमें मैंने अपने सारे वेजीज अच्छे से ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है, और इसका टेस्ट भी ऐसे लगेगा जैसे आपने नॉन वेज बर्गर और नॉन वेज पिज़्ज़ा वगैरह में जो आपका टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। चलिए दोस्तों, हम अब अपनी ब्रेड्स की स्टफिंग करेंगे। मैंने यहाँ फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस जो सैंडविच के लिए होते हैं, मैंने वो ले लिया है। अभी मैं इसमें स्टफिंग करूँगी, यानी मैं सारे ब्रेड स्लाइसेस के बीच में ये जो स्टफिंग है इसे मैं फिल कर दूँगी अच्छे से। आपने भी ऐसे ही फील कर लेना है। ये बहुत ही इजी है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल, और खाने में भी बहुत मज़ेदार। यू कैन ट्राई इट एट होम वेरी इजीली, एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल इन योर किचन, सो यू हैव टू मेक दिस एंड एन्जॉय योर मील। आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे ब्रेड्स को इसी तरह फील कर लिया है। दोस्तों, मैं अपनी रेसिपी इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि जो लोग को हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में समझ सकें, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में समझ सकें। तो आप देख सकते हैं मेरे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक नज़दीक से इसका लुक दिखाऊंगी। क्लोज व्यू ऑफ माई सैंडविचेस, यू कैन सी नाउ इट लुक्स वेरी डिलीशियस। नाउ आई विल गिव यू क्लोजअप लुक, so how it's look, wow, it's looks so yummy and tasty. Let's start to fry. चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं इसे तवे पर फ्राई करना। मैंने तवा पहले से ही गर्म कर रखा हुआ है। आप लो मीडियम फ्लेम पर तवा गर्म कर ले, एंड थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंग करें, देन थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े से करी लीव्स। अभी हम अपने ब्रेड स्लाइसेस इस पर रख देंगे और इसे थोड़ा सा सेकेंगे। We will roast our bread slices for a little while till it will become brown. ये हल्का सा brown होने तक हम इसे सेकेंगे, then हम इसे पलट देंगे। So आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से ready हो रहे हैं, और मुझे तो अभी से भूख लग रही है। Wow! आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा और कितना अच्छा look आया है। It's look delicious. अभी हम ऐसे ही अपने सारे टोस्ट को रोस्ट कर लेंगे, यानी हम अपने रिमेनिंग सैंडविचेस को भी ऐसे ही सेक लेंगे। फिर क्या, हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे वेरी टेस्टी एंड यमी ब्रेड सैंडविचेस। मैंने अपने रिमेनिंग टोस्ट को भी ऐसे ही रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं अपने सैंडविचेस कितने शानदार बन रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे पलटा है, बिल्कुल इसकी स्टफिंग मैंने गिरने नहीं दी है, और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है।
अभी मैं इसे निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड सैंडविचेस बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। खाएं, पिएं और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारास वर्ल्ड चैनल। थैंक यू। प्यारी समझ गई।